हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहारी कबाब की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 केजी मटन। 1 केजी मटन का मैंने ऐसे पसंदे के जैसे पतले पतले मैंने शेप कट कर लिए हैं। ये पतले पतले ऐसे कट कर लेना है हमें, और इसको मैंने वॉश करके इसको स्ट्रेनर में रख दिया है 1 घंटे पहले से, कि इसके पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाए। तो चलिए हम बिहारी कबाब को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मटन को मैंने 1-2 घंटे पहले से वॉश करके रखा था और स्ट्रेनर में डाल कर रखा था कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये सूखा रहना चाहिए, नहीं तो आपके बिहारी कबाब में पानी हो जाएंगे। और ये मैं मटन में बना रही हूँ, आप रेड मीट में भी बना सकते हैं। और आप, मैंने घर में इसे कट किया है, आप जहाँ से मटन लें तो वहाँ आप बोले पसंद है कि जैसा कट कर देने के लिए वो कट कर देंगे। तो हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें पपाया पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून पपाया पेस्ट डालेंगे। और इसमें मैंने ये रेड चिली लिया है, 1.5 टीस्पून रेड चिली है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए होते हैं, और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो इसमें मैंने 1.5 टीस्पून डाला। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हमें 2 आवर के लिए रख देना है। ये देखिए हमारा ये बिहारी कबाब मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे ये ढक कर रख देंगे 2 आवर के लिए, 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। और अगर आप गर्मी में बना रहे तो इसे फ्रीज में रख दें। देखिए मैंने पानी अच्छे से इसका ड्रेन कर दिया है, तो ये बिल्कुल सूखा सूखा है। तो फिर मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। फ्रेंड्स देखिए, हमें बिहारी कबाब को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसमें ये 1 मीडियम साइज़ की ओनियन को मैंने ब्राउन किया है मस्टर्ड ऑयल में। तो ये ओनियन को मैं ऐसे क्रश करके इसमें डालेंगे और 4 से 5 मिनट इसे मिक्स करेंगे। देखिएगा हमें कंटिन्यू मिक्स करना है, इसे डालकर मिक्स करना है इसमें अच्छे से। देखिए हमारा ये कितना सूखा है ये बिहारी कबाब। और ये पपाया का जो पेस्ट मैंने ग्राइंड किया था तो उसमें 1 टेबल स्पून मैंने वाटर डाला था, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वाटर डालें, मतलब कम ही वाटर डालना है, तो वाटर डाल के हमें इसको पेस्ट बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं फ्राइड ओनियन डाल के मुझे मिक्स करते हुए। अब हम इसे इसमें ये 1 मीडियम साइज़ के ओनियन का पेस्ट मैंने ग्राइंड पेस्ट बनाया, उसके बाद मैंने इसको छन्नी में रखा कि इसके एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। ये मैं डाल रही हूँ। हाँ, अगर आप पपाया में ज़्यादा पानी डाल दें तो ऐसे ही स्ट्रेनर में डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी डाल दें। अब हम इसमें 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसी ऑयल में मैंने ओनियन फ्राई किया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ओनियन का पेस्ट डालकर और ऑयल डालकर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक फिर से मिक्स किया है। और आपको ये मैं चेक करने के लिए दिखाती हूँ कि आपको चेक करना हो कि आपके मटन गल गए हैं या नहीं। ये देखिए ऐसे ऐसे गल गए हैं, तो ये साइन है कि हमारा ये गल गया है। ऐसे 2 घंटे आप मिक्स करके रख देंगे तो आपके मटन गल ही जाएंगे। ये देखिए मैंने ये सीख ले लिया है, और ये सीख को आप सेकने से पहले 6 से 7 आवर के लिए इसको भिगो के पानी में रखें। तो अब हम इसको आपको मैं थोड़े से कबाब मैं फ्राई पैन में सेक के दिखाऊंगी। आपके पास ग्रिलर पैन हो या फ्राई पैन हो नॉनस्टिक के, आप उसमें भी सेक सकते हैं। और बाकी मैं कोयले पे सेकूंगी अपने टेरिस पे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो आपको जो भी, जैसे आपके पास कोयला पे सेकने की जगह नहीं हो तो आप फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं, और ये ग्रिल पैन हो तो ग्रिल पैन में भी सेक सकते हैं। ऐसे ऐसे ही हमें इसमें लगा लेना है।
ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं, आराम से ये लग रहे हैं इसमें। ये कम ही बेसिक से मसाले इसमें पड़ते हैं और ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। ये बिहारी कबाब देखिए, अब हम अपने फ्राई पैन में इसको रखेंगे सेकने के लिए। ये देखिए मैंने फ्राई पैन को रखा है गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ा ऑयल लेके मैंने ग्रीस कर दिया है। अब इसको मैं ये फ्राई पैन में रख दूँगी, ठीक है। ऐसे ही हम एक और सेक सेक लेंगे। अब हम इसको फ्राई पैन में डाल देंगे सिकने के लिए। ये हमारे दो फ्राई पैन में सिक रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि आपके पास कोयले से सिकने की जगह नहीं हो तो आप फ्राई पैन में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं आप घर में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको टर्न कर रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे कबाब में। इसको भी ये देखिए, इसको हम फ्लिप कर दिए फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा उस साइड हुआ है कि नहीं देखते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब हम ऐसे कर देंगे इस दूसरे साइड, अभी ये नहीं हुआ है, इसको हम और होने देंगे। हमारे मटन बिल्कुल गल गए, देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब फ्राई पैन में बहुत अच्छे से सिक गए हैं। और अभी मैं इसे नहीं निकालूंगी, इसमें मैं चारकोल का स्मोक लगाऊंगी। अब हम इसे कोयले का धुआं लगाएंगे। मैंने फॉइल के बॉल बनाकर रख दिए हैं। जले हुए कोयले मैंने इसमें डाल दिए हैं। हम थोड़ा ऑयल डालेंगे और हम ढक देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसमें कोयले का स्मोक लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं स्टील के इसमें लगा रही हूँ कोयले पे सेकने के लिए। हमारा कोयला जल गया है, हमें जल्दी जल्दी इसमें लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने सीख में स्टील के सीख में लगा लिया है। अब हम इसको कोयले पे सेकेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सीख रेडी हैं कोयले पे सेकने के लिए। अब हम चलते हैं कोयले पे सेकने के लिए। इवेनली हमें हर साइड से सेक लेना है। देखिए फ्रेंड, इसमें कोयला का स्मोक लग गया है। मैंने 1 से 2 मिनट इसमें रखा था। आपको ज़्यादा चाहिए स्मोकी फ्लेवर तो आप ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, हमें इतना ही चाहिए तो मैंने 1 से 2 मिनट ही रखा है। अब हम देखिए हमारे कबाब कितने ज़बरदस्त सेके हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारे बिहारी कबाब बिल्कुल ये टेंडर हैं, गल गए हैं। और ये तो मैंने कोयले पर जो सेका, ये जो मैंने फ्राई पैन में सेका है, ये देखिए ये भी हमारे बिल्कुल टेंडर हैं। तो आप इस मेथड से ज़रूर बनाइए। ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त बिहारी कबाब रेडी है। ये देखिए मैंने आप ये कोयले पे मैंने सेका है, तो ये कोयले पे है और ये फ्राई पैन में है या ग्रिलर पैन में भी आप सेक सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दावत किचन। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।